हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल कुकिंग मुखिया पर। कम समय में कुछ अच्छा और टेस्टी खाना है तो ये कैफे वाली ग्रिल क्लब सैंडविच बना लो। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। यहाँ पे हमने एक बोल लिया है, इसमें हमने एक शिमला मिर्च को बारीक बारीक काट लिया है और एक प्याज को बारीक बारीक काट लिया है। इन दोनों को हम डाल लेंगे। यहाँ पे हमने पनीर बिल्कुल छोटा छोटा काट लिया है, इसको भी डाल दिया। यहाँ पे हमने फ्रोजन कॉर्न लिए हैं, ये हमने 3 चम्मच इसको डाला है। यहाँ पे हमने 2 हरी मिर्च बारीक काट ली है, इसको भी डाल देंगे। और एक टमाटर, इसके हमने पहले ही बीज निकाल दिए थे, इसको बीज निकाल के ही डालना है। यहाँ पे हमने ली है 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार लें। और 1/4 टीस्पून हमने यहाँ पे कुटी हुई काली मिर्च ली है, ये हमने ऑरिगेनो लिया है, आपके पास जो भी हर्ब्स हो वो डाल लें। यहाँ पे फ्रेश मलाई ली है, ताजी मलाई ही इसमें यूज़ करें, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, एक बार इस तरह से बना के तो देखें। और ये हमने वेज मेयोनीज लिया है, 4 चम्मच हमने मेयोनीज लिया है, इसमें मेयोनीज थोड़ा ज़्यादा ही जाता है। और ये सैंडविच 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। यहाँ पे हमने टोमेटो केचप लिया है और इसमें हमने मेयोनीज डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ये स्प्रेड बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने ये ब्रेड ली है, आप ब्रेड कोई भी ले सकते हो। इसको हम लगा लेंगे अच्छे से ब्रेड पे, और इसमें जो स्टफिंग बनाई वो भी रख देंगे। स्टफिंग हम अच्छे से लगाएंगे, इसी तरह से दूसरी ब्रेड पे भी हम लगा लेंगे। और ये हमने स्लाइस में टमाटर काट के रखे थे बिल्कुल पतले पतले, ये हमने प्याज रख लिया है। इस तरह से आप बना के बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हो। ये हमने चीज लिया है और चीज को भी ग्रेट कर देंगे। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। तो चीज हमने यहाँ पे ग्रेट कर लिया। अब इसमें हमने थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च और यहाँ पे लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक डाल दिया है। अब दूसरी ब्रेड में हम यहाँ पे बटर या फिर घी कुछ भी लगा सकते हो, अच्छे से लगा लेंगे। इसके ऊपर ये वाला हम पीस रख देंगे और इसको इस तरह से कवर कर देंगे। यहाँ पे हमने ये ग्रिल लिया है, इसमें हमने पहले से ही घी ग्रीस कर दिया था, घी या बटर कुछ भी लगा सकते हो। और इसमें हमने जो ये सैंडविच बनाई है इसको हम रख देंगे, और गैस की फ्लेम हम अभी स्लो ही रखेंगे, इसे अच्छे से बंद कर देंगे। आप ये तवे पे भी बना सकते हो, इस तरह से स्लो गैस पे हम अलटते पलटते इसको अच्छे से क्रिस्पी होने तक इसे हम सेक लेंगे। तो ये हमारी बनकर तैयार हो गई है, देखिए देखने से ही लग रही है ना कितनी क्रिस्पी। बच्चे हो या बड़े सभी की ये फेवरेट होती है, तो आप कैफे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर में बना सकते हो। तो आपको हमारी थोड़ी सी भी रेसिपी अच्छी लगती है तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।